हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम मकर संक्रांति की बात करेंगे। जी हाँ, मकर संक्रांति का पर्व साल भर में आने वाले सभी प्रमुख त्योहारों में से एक है। मकर शब्द का अर्थ मकर राशि से और संक्रांति का प्रवेश करने से है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिस कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि साल 2021 में मकर संक्रांति का पर्व किस दिन होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। साथ में मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा, और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का महत्व अधिक माना जाता है। माघ माह में कृष्ण पंचमी को मकर संक्रांति देश के सभी राज्यों में अलग अलग सांस्कृतिक रूप में मनाई जाती है। और मकर संक्रांति का अर्थ है, मकर संक्रांति में मकर शब्द का मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ है संक्रमण यानी कि प्रवेश करना। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को ही संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि मकर राशि में मतलब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। और वैसे तो साल भर में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। पृथ्वी पर 23 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तब वर्ष में 4 स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुववत रेखा यानी कि 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। वास्तव में चंद्रमा के पथ को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, जबकि सूर्य के पथ को 12 राशियों में बांटा गया है। भारतीय ज्योतिष में इन 4 स्थितियों को 12 संक्रांतियों में बांटा गया है, जिसमें से 4 संक्रांतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी गुरुवार के दिन मनाया जाएगा, और संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त होगा 14 जनवरी प्रातःकाल 8:30 से शाम के 5:46 तक। मुहूर्त की कुल अवधि होगी 9:16 की, और संक्रांति महापुण्यकाल मुहूर्त होगा 14 जनवरी प्रातःकाल 8:30 से प्रातःकाल 10:15 तक। मुहूर्त की कुल अवधि 1:45 की होगी। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, तालाब या शुद्ध जलाशय में स्नान जरूर कीजिएगा। नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर तिल मिले पानी से स्नान कीजिएगा, यानी कि जो नहाने वाला जल है उसमें आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, नहीं तो तिल मिला करके स्नान करें।
इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, सूर्य देव की आराधना करें, और सूर्य देव को अर्घ्य देते समय उनके खास मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल का अर्घ्य दीजिएगा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद ब्राह्मण और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान करना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए इस दिन दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। विशेष रूप से इस दिन दान में आटा, दाल, चावल और खिचड़ी और तिल के लड्डू दिए जाते हैं। सभी में तिल और गुड़ का प्रसाद वितरण करना चाहिए। ये सब इस तरह से पूजा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों और धार्मिक सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का पर्व जो है बहुत ही खास होता है, बहुत ही इसका खास महत्व होता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के घर में आते हैं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, जिस कारण यह जो पर्व है, ये त्यौहार है, पिता पुत्र के इस अनोखे मिलन का प्रतीक है। कुछ जगहों पर तो नई फसल और नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू और मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि इस समय सर्दी का मौसम होता है, इसलिए इस दौरान तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होते हैं। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी बनाने और खाने और खिचड़ी का दान करना शुभ माना जाता है, इसलिए बहुत सी जगहों पर इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चावल को चंद्रमा का प्रतीक और काली उड़द को दाल, जो काली उड़द की दाल होती है, उसको शनि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसी वजह से इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने से बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी कि खिचड़ी को खाना और ज़रूरतमंद व्यक्तियों में दान करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको इससे जुड़ी दोस्तों इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है, और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती हैं। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। मकर संक्रांति के इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ के स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी पर्व, पतंगोत्सव, ये सब कहा जाता है, और मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में बिहू के नाम से भी इस पर्व को मनाया जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक रहस्य की बात यह है कि तिल, गुड़ के लड्डू और पकवान, यानी कि सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने की वजह से शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगती हैं, इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं और बांटे भी जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। इसके अलावा
स्नान दान पुण्य और पूजा का भी महत्व है। मकर संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान और पूजा आदि करने से कई हजार गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। इसी दिन से मल्ल मास भी समाप्त होने के साथ साथ शुभ माह प्रारंभ होने के कारण लोग दान पुण्य से अच्छी शुरुआत करते हैं। इस दिन को सुख समृद्धि का भी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति का जो पर्व है ये पतंग उड़ाने का महोत्सव है। यह पर्व पतंग महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। आपके यहाँ भी पतंग उड़ाई जाती होंगी। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कि कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और स्किन के लिए, त्वचा और हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसलिए इस उत्सव के साथ ही सेहत को भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें। इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।